सब लोगों को नजर आ रही होगी होपफुली। लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट क्लास में खैर कोर्ट तो नहीं खत्म, हमने थ्योरी पढ़ी थी पूरी। अच्छा, लेकिन उससे लास्ट क्लास में जो कोर्ट लिखा था ना, वो जरा हम गो थ्रू कर लेते हैं कि वो क्या था कोर्ट। सबसे पहले हमने क्या किया था, npm init करने से ये package.json के नाम की है एक फाइल बन गई थी। अब इस package.json में क्या होता है वो हमने कहा था हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये बताता चलूँ कि package.json में अब क्या होता है। Node.js की कोई भी ऐप होती है ना, वो इस फाइल से पहचानी जाती है। अगर किसी फोल्डर के अंदर ये फाइल मौजूद है, इसका मतलब होता है वो Node.js का प्रोजेक्ट है, ठीक है, package.json। अच्छा, इसमें सबसे पहले उस ऐप का नाम होता है, कोई भी नाम हो सकता है, उसका वर्जन क्या है, उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन, उसका जो मेन पेज है वो कौन सा है। अच्छा, उसके बाद स्टार्ट कैसे होगी, ये ऐप चलेगी कैसे, उसकी कमांड यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर ये GitHub में पुश किया गया है अगर, तो उसकी रिपोजिटरी का URL क्या है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ना भी लिखे तो खैर है, ठीक है। बग्स रिपोर्ट करना हो अगर तो कहाँ पे जाके करें, तो ये ऑटोमेटिकली इसने मेरा GitHub उठा लिया, क्योंकि मैं लॉगिन हूँ ना इसमें कंप्यूटर पर, तो ऑटोमेटिक इसने मेरा GitHub उठा लिया कि इस जगह पे जाके आप इशू रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडेंसीज इसकी क्या है, डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज इस्तेमाल की गई हैं, या इसमें लाइब्रेरी इंस्टॉल की गई है। जब भी आप कोई नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाती है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करना नहीं होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि हमने एक अदद फाइल बनाई server.mjs। server.mjs में हमने एक्सप्रेस का, क्योंकि कोड लिखना है, तो हमने लिखा था npm install express, इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल किया था। वो कमांड लिखने से क्या हुआ था, package.json में डिपेंडेंसी में जाके वो शामिल भी हो गया था, और यहाँ पे उसको मैंने फिर इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इस एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज किया हमने, ठीक है, ये ऐप को इनिशियलाइज किया। ये हेलो वर्ल्ड का कोड है, हमने डायरेक्ट इनकी अपनी वेबसाइट से इसको उठाया था इस कोड को, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड का एक तैयार कोड है। अच्छा, तो इस कोड को भी हम ज़रा देख लेते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। एक्सप्रेस की ऐप यहाँ पे तैयार हो गई, ठीक है, ऐप। अब ये ऐप के ऊपर डॉट डॉट करके ना पूरी जो भी कोडिंग करूँगा मैं वो इसी के ऊपर होगी। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पे निकाला है पोर्ट। अब ये पोर्ट क्या चीज़ होती है, जैसे कि हमने पहले जिक्र किया था कि पोर्ट अंदर और बाहर जाने के जो रास्ते होते हैं उनको पोर्ट कहते हैं, चाहे वो शहर से अंदर बाहर जाने के हो या कंप्यूटर से, ठीक है। कंप्यूटर में USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, HDMI पोर्ट होती है, इसी तरह ये इंटरनेट की कम्युनिकेशन के पोर्ट्स भी होते हैं। तो मैंने कहा कि या तो तुम्हें एनवायरनमेंट वेरिएबल में मिलेगा वो पोर्ट का नंबर, क्योंकि ज़ाहिर है क्लाउड पे भेजूंगा तो मुझे नहीं पता उनका कौन सा पोर्ट फ्री है, तो वो उन्होंने अपने ही पास एनवायरनमेंट वेरिएबल बताया हुआ था कि ये पोर्ट फ्री है इस पे कर दो, या तो 3000 पे कर दो। अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में कोई पोर्ट नहीं है तो 3000 में चला दो। अच्छा, एनवायरनमेंट वेरिएबल में कोई पोर्ट कब नहीं होगा, जब मैं लोकल अपनी मशीन में चलाऊंगा, तो यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल में कोई पोर्ट नहीं होगा, तो ये उसको 3000 पर रन कर देगा, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल बनाया है जस्ट मैंने शुरू में, ये इस्तेमाल ये वेरिएबल आखिर में हो रहा है, लास्ट में, ठीक है। अब देखो ये ऐप तैयार हो गई है बनके, ये एक्सप्रेस की जो ऐप ये यहाँ पे मैंने बनाई थी ये तैयार हो गई। अब इसके ऊपर ना मैं डॉट डॉट करके सारा काम करूँगा, ठीक है। मैं इसके ऊपर बताऊँगा कि अगर गेट की रिक्वेस्ट आए मेरे पास और स्लैश उसका URL हो तो क्या काम करना है वो मेरा, ठीक है। अभी हम बहुत सारी इसमें ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सब जब बता दूंगा ना मैं, मिसाल के तौर पे 2, 3, 4 जितनी भी मैंने यहाँ पे बनानी थी सब बना के मैंने कहा भाई स्लैश प्रोफाइल जब आए तो ये करो, स्लैश होम जब आए तो ये करो, ठीक है। मैंने 3-4 यहाँ पे बात बता दी, मैंने कहा सिर्फ स्लैश आया तो क्या करो। सब बताने के बाद लास्ट में मैंने क्या कहा, मैंने कहा ऐप डॉट लिसन, यानी क्या करो, अब आने वाली ये ऐप पूरी तैयार हो गई है, अब आने वाली जो रिक्वेस्ट है उसको लिसन करना शुरू कर दो। क्या कर दो, लिसन करना शुरू कर दो। अच्छा, ये जैसे ही मैं लिसन कॉल करूँगा ना, तो ये टर्मिनल के ऊपर जब मैं इसको रन करूँगा ऐप को, तो ये लिसनिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। अब लिसनिंग स्टार्ट होने से क्या होगा, अगर इस कंप्यूटर पे कोई रिक्वेस्ट भेजेगा आप में से, अगर इस सर्वर इसमें रन हो रहा है, अच्छा, और वो रिक्वेस्ट आपने भेजी किस पे, 3000 पोर्ट पे, ठीक है, तो ये ऐप को ऑटोमेटिक वो रिक्वेस्ट मिल जाएगी, क्योंकि दिस ऐप इज लिसनिंग फॉर 3000 रिक्वेस्ट। 3000 के पोर्ट पे ना ये लिसनर लगा के बैठ गया। आप इसको ऐसे समझें कि मिसाल के तौर पे कोई आपको पता चला कि यार फला बंदा ना इस शहर में आने वाला है, तो और आपको पता चल गया कि फला पोर्ट से आएगा, आप उस पोर्ट में ना फील्डिंग लगा के खड़े हुए, ठीक है, आप अब देख रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा। या आप इसको ऐसे समझें कि आप स्टॉप पे बस का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं,
आप एक खास नंबर पे लिसनर लगा के बैठे होते हैं, F11 पे बैठना है मिसाल के तौर पर आपको, तो आप हर बस पे देखते हैं F11 तो नहीं है, F11 तो नहीं है, तो उसी तरह ये लिसनर लगा के बैठ जाता है, लिसन करना शुरू कर देता है। जब तक उस ऐप को मैं रोकूंगा नहीं वो लिसन करता रहेगा, जब मैं उस ऐप को रोक दूंगा या कंप्यूटर को बंद कर दूंगा या ऐप को बंद कर दूंगा तो क्या होगा, फिर वो लिसनिंग खत्म हो जाएगी। फिर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो उसका कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये ऐप है जो कि क्या कर रही होती है, आपकी रिक्वेस्ट पे लिसनर लगा के बैठी हुई होती है, आपकी बात को सुनने के लिए बैठी हुई होती है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ का जो होस्ट होता है, वहाँ का जो मेज़बान होता है यानी कि वेटर जिसको हम आमतौर पर कहते हैं, वो क्या करता है आपका, आपकी बात सुनने के लिए वो ऐसे रेडी हो जाता है, वो आगे खड़ा हो जाता है, सर जी बताएं सर, आपकी आपकी बात पे लिसनिंग शुरू कर देता है वो फौरन। तो यहाँ पे भी सेम वही काम हो रहा होता है और पोर्ट 3000 पे करेगा। अच्छा, 3000 के अलावा किसी पोर्ट पे अगर रिक्वेस्ट आएगी तो ये उसको जवाब नहीं देगा, ठीक है। जैसे पोर्ट नंबर 43 जो है उस पर एक ख़ास किस्म की रिक्वेस्ट आ रही है, स्काइप से जो कॉल हो रही है वो पोर्ट 43 के ज़रिए हो रही है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पोर्ट्स के ज़रिए आपको क्या हो रहा होता है, डिफरेंट कम्युनिकेशन इंटरनेट की हर वक्त हो रही होती है। जब आप कोई मूवी डाउनलोड पर लगाते हैं तो किसी ना किसी खास पोर्ट से आपके कंप्यूटर के अंदर दाखिल हो रही होती है, ठीक है। हाँ, 3000 आपका बिजी हो गया, 3000 पे एक वक्त में एक ऐप चल सकती है, दो नहीं चल सकती। 3000 पोर्ट आपका अब हो गया बिजी, अब 3000 पे एक ऐप चल गई ना ये वाली, कोई दूसरी ऐप अब इसको इस पोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। या इमेजिन करेंगे कोई दूसरी पोर्ट, कोई दूसरी ऐप 3000 को पहले से इस्तेमाल कर रही है, जब आप अपनी ऐप रन करेंगे तो क्या एरर आएगा आपके पास, ये पोर्ट ऑलरेडी इन यूज़ है और वो चलेगा ही नहीं सर्वर आपका, सर्वर आपका रन नहीं होगा, एरर देके वो छुप हो जाएगा, वो बोलेगा कि 3000 क्या है, ऑलरेडी इन यूज़ है, तो पहले आप उसको बंद करें फिर आप ये चला सकते हैं। या आपको बोलेगा कि वो 3001 पे चला दो, ठीक है, किसी दूसरे पोर्ट पे चला दो। 3000 पे आपको दो ऐप नहीं चलाने देगा एक वक्त में, ठीक है, एक वक्त में एक पोर्ट पे एक ऐप, आपको दो सर्वर एक साथ रन करने हैं, अलग अलग पोर्ट पे आप रन करेंगे। अच्छा, यानी धब धब आवाज़ कहाँ से आ रही है, कुछ तोड़ फोड़ हो रही है शायद यहाँ पे कहीं, है ना, ये आ रही है वस्तु। अच्छा, कोई कंस्ट्रक्शन का काम शायद चल रहा है। अच्छा जी, तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था, इसको GitHub में पुश किया। ये पुराना कोड मैं रिवाइज कर रहा हूँ, जो हम ऑलरेडी पिछली से पिछली क्लास में हम कर चुके थे, उसका रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ताकि सेम पेज पे आ जाए, कोई अगर उस क्लास में नहीं भी था तो उसको भी पता चल जाए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इस कोड को मैंने GitHub में पुश करना है, तो मैंने क्या किया था, गिट इग्नोर की एक फाइल बनाई थी। गिट इग्नोर की फाइल क्यों बनाई थी मैंने, क्योंकि इसमें एक ऐसा फोल्डर है नॉट मॉड्यूल्स के नाम का, जो मैंने इंटरनेट पे पुश नहीं करना, कहीं नहीं भेजना, ना क्लाउड पे भेजना ना GitHub में भेजना, कहीं नहीं भेजना मैंने उसको, इसको मैंने इस पीसी में ही रखना है। क्यों नहीं भेजना, क्योंकि इसमें जो लाइब्रेरी मौजूद है ना, जो इंस्टॉल हुई हुई है, वो तो हमें पता है, उसकी लिस्ट यहाँ पे मेरे पास मौजूद है यहाँ पे, तो जिसको भी ये प्रोजेक्ट मिलेगा ना वो क्या करेगा, यहाँ से देख के वो लाइब्रेरी दोबारा इंस्टॉल कर लेगा। तो ये नॉट मॉड्यूल का फोल्डर हैवी भी होता है एक तरह से, तो और ये किसी को भी नहीं चाहिए। नॉट मॉड्यूल का फोल्डर अगर मैं राइट क्लिक करके देखूँ ना कि क्या इसका साइज़ है, ओपन एंड फाइंडर करके ना इसका साइज़ देखना चाह रहा हूँ मैं, रिवील इन फाइंडर, और मैंने कहा कि गेट इन्फो, तो ना इसका साइज़ है 3.2 MB, इसका साइज़ है 3.2 MB, और बाकी की जो पूरी की पूरी फाइल है उसका जो साइज़ है हमारा वो क्या है, वो 41 KB है। देख रहे हो कितना फ़र्क है, और वो लाइफ अच्छा, उसका काम भी कोई नहीं है। तो मिसाल के तौर पे मैंने क्या किया, गिट इग्नोर बना के ये रख दिया, इसकी वजह से क्या होगा, नाम इसका हो गया डिम। अब ये नॉट मॉड्यूल पुश नहीं होगा, आप जहाँ पे भी पुश करेंगे ना नॉट मॉड्यूल नहीं जाएगा साथ में। अच्छा, अब सवाल ये, अच्छा जब दोबारा क्लोन करेंगे तो फिर कैसे करेंगे इंस्टॉल, तो मैं काम करता हूँ, इसको ना कर देता हूँ डिलीट, नॉट मॉड्यूल को मैंने थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दिया आपको जस्ट डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, क्योंकि जब आप दोबारा से क्लोन करेंगे तो ये नॉट मॉड्यूल के बगैर आपको मिलेगा, और आप जब इसको रन करने की कोशिश करेंगे ना, जैसे ये देखें मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, मैंने कहा CD2 और CD, ठीक है, अब मैं इसको NPM स्टार्ट चलाऊँगा ना, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये NPM स्टार्ट चलाने से क्या होगा, नहीं चलेगा, ये आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा आपको, ये एरर इसलिए देगा कि जो लाइब्रेरी इसको चाहिए वो है ही नहीं, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोल दिया, इसने कहा एरर मॉड्यूल नॉट फाउंड, और शुरू में आप देखें अगर कैन नॉट फाइंड पैकेज एक्सप्रेस
जो ऊपर इम्पोर्ट किया हमने, कह रहा वो तो मिल ही नहीं रहा मुझे, तो अब मैं क्या करूँगा? दो तरीके हैं मेरे पास, दो तरीके हैं। नंबर एक तरीका ये है कि मैं पैकेज डॉट जेसन में जाऊँ, यहाँ डिपेंडेंसीज में ये एक्सप्रेस लिखा हुआ है ना, 3, 4, 5, 10, 12 जितनी भी हैं लाइन्स हैं, मैं एक एक करके ना ऐसे npm इंस्टॉल और एक्सप्रेस ऐसे कर दूँ, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैं सिर्फ npm इंस्टॉल लिखूँ, मतलब npm इंस्टॉल या npm i एक ही बात है, ठीक है। npm इंस्टॉल का शॉर्टकट है npm i, तो मैं सिर्फ npm i लिखूँगा, ठीक है। कहाँ पर खड़ा होके? प्रोजेक्ट के रूट में, उस लेवल पर जहाँ पर ये पैकेज डॉट जेसन मौजूद है, तो npm i लिखूंगा। और आगे किसी लाइब्रेरी का नाम अगर मैं नहीं दूंगा तो क्या होगा? वो खुद से जाएगा पैकेज डॉट जेसन में और खुद से जाके देखेगा वहाँ कितनी लिस्ट है और सबको खुद इंस्टॉल कर देगा। तो ये लो npm i किया मैंने, वापस नॉट मॉड्यूल आ गया, अब npm स्टार्ट करूंगा चल जाएगा, चल गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, नॉट मॉड्यूल भेजेंगे नहीं। जिसको भी ये प्रोजेक्ट मिलेगा वो क्या करेगा? रूट पे खड़ा होगा, npm इंस्टॉल चलाएगा, वो दोबारा सारा वापस आ जाएगा। तो इसलिए हम ये नॉट मॉड्यूल कहीं पर भी क्लाउड में नहीं भेजते। अच्छा, तो ये पिछली क्लास का पूरा हमारा जो है ना रिवीजन हो गया। अच्छा, अब एक तो तरीका ये हो गया भाई के अब ना जल्दी से हम इसमें कोई एपीआई बना लेते हैं, जल्दी से हम इसमें एपीआई बना लेते हैं। अच्छा, एपीआई सब लोग को पता है एपीआई किस चीज को कहते हैं? जब दो मशीन आपस में बात करती है ना उसको एपीआई कहते हैं, ठीक है। एक होता है यूजर इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस यूज़र के लिए बना हुआ होता है। जैसे वॉशिंग मशीन जब आप इस्तेमाल करते हैं उसमें गोल घुमाने के जो बटन है दैट इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। आई माइक्रोवेव ओवन आप जब यूज़ करते हैं उसमें बटन बने हुए ना 1, 2, 3, या घुमाने वाला होता है समटाइम, अलग अलग होता है, तो घुमा के आप सेट करते हैं कि अच्छा यार ये करो, यानी अपनी बात बताते हैं आप उस मशीन को घुमा के, तो दैट इज़ कॉल्ड यूज़र इंटरफेस। AC में आके आप बटन ऐसे प्रेस करते हैं आप तो ये ऑन होता है, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। एक होता है कि प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, वो यूज़र इंटरफेस से मुख्तलिफ होता है। यूज़र इंटरफेस ख़ास ह्यूमंस के लिए बनाया जाता है, यूज़र इंटरफेस ख़ास तौर पे ह्यूमंस के लिए बनाया जाता है कि भाई ह्यूमन इसको इस्तेमाल करेगा, ठीक है। यही वजह है कि जैसे देखें अभी है ना, ये जो माइक मेरे सामने रखा हुआ है इसके बटन पर ना थोड़ा ऐसे ब्रेल सा उठा हुआ है कि मुझे ऐसे में टच करके पता चल जाता है बटन कहाँ पर है। कीबोर्ड के ऊपर भी ना ये जो कौन से बटन पे होता है, हाँ F पे और J पे थोड़ा थोड़ा सा वो नोक उठी भी होती है ताकि पता चले ह्यूमन को, यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल रखा जाता है कि ह्यूमन इसको कैसे यूज़ करेगा। AC का जो बटन है ऑन करने का वो ऊपर क्यों लगा हुआ है, वो AC के जड़ में क्यों नहीं लगा हुआ? क्योंकि आपका हाथ ऊपर होता है तो आपके ह्यूमन लेवल पर उसको उन्होंने लगाया है ताकि आसानी रहे, ठीक है। ह्यूमन लेवल पर उसको लगाया गया, ठीक है। लैपटॉप के ऊपर ये जो बटन लगे हुए हैं ये सारे के इधर, ये पीछे क्यों नहीं है? पीछे इसलिए नहीं है कि ह्यूमन के लिए आसानी हो। तो ये यूज़र इंटरफेस है। API मुख्तलिफ है। API जो होता है वो इस AC का कोई ना कोई API होगा मोस्ट प्रॉब्ली, मुझे नहीं पता है नहीं। API एक मशीन के अंदर जो इंटरफेस होता है ना, API इंटरफेस, वो ह्यूमन्स के लिए नहीं होता, वो दूसरी मशीनों के लिए होता है कि दूसरी मशीन जब इस मशीन से बात करेगी तो वो कैसे बात करेगी। तो हमारे केस में जो हमारा जो सर्वर है वो एक मशीन है, हमारा जो सर्वर है वो एक मशीन है। तो जब हम सर्वर से बात करेंगे ना, जब हम, तो एक्चुअली वो हम नहीं कर रहे होंगे बात, वो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन कर रही होगी, हम थोड़ी कर रहे होंगे। हम तो मोबाइल एप्लीकेशन पर बटन दबाएंगे, ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा, बटन दबाया, लॉगिन। वो एप्लीकेशन जो है ना मेरी, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो भेजेगी रिक्वेस्ट। या अगर हम चैटबॉट बना रहे हैं तो हम बोलेंगे कि गिव मी पिज़्ज़ा, और वो चैट बॉट का जो सॉफ्टवेयर है ना, चाहे वो मोबाइल ऐप की सूरत में हो, चाहे वेबसाइट की सूरत में हो, चाहे वो गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा की सूरत में हो, हम उसको बोलेंगे गिव मी वाटर या गिव मी पिज़्ज़ा। वो कॉल करेगा मेरे सर्वर को, सर्वर को मैं कभी भी एक ह्यूमन कभी भी कॉल नहीं करेगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंटरनेट खोला और आपने कहा चलो यार किसी सर्वर से बात करते हैं? ऐसा नहीं होता। facebook.com खोलते हैं आप, लेकिन वो आपके सामने यूज़र इंटरफेस खुलता है, वो एक वेब एप्लीकेशन है जो हम सब जानते हैं। वेब एप्लीकेशन हम बना चुके हैं छोटी मोटी, जावास्क्रिप्ट की जो एप्लीकेशन है, ठीक है। वो एप्लीकेशन बात करती है सर्वर से, कभी डायरेक्ट ह्यूमन बात नहीं करता। तो इस तरह के जो इंटरफेसेस होते हैं दैट इज़ कॉल्ड API। अच्छा, API के कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर जैसे CD-ROM होता है, कंप्यूटर में CD-ROM होता है, हार्ड ड्राइव होती है। हार्ड ड्राइव इज़ अ
पीस ऑफ मशीन। एक ये मशीन सीपीयू से कनेक्ट होती है तार के जरिए, और ये तार के जरिए आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ये इनकी आपस में कोई एपीआई सेट है पहले से, आपस में बात करते हैं। ये मेरा लैपटॉप है, वो ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मेरी स्क्रीन पे जो कुछ है वो प्रोजेक्टर के जरिए यहाँ प्रोजेक्ट हो रहा है। मेरा जो लैपटॉप है वो उससे बात कर रहा है प्रोजेक्टर से। तो इनकी आपस में ना कोई एपीआई बनी हुई है, मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ से बटन दबाता हूँ उधर पहुँच जाता है, मुझे नहीं पता कैसे पहुँचता है। तो इनकी आपस में कोई एपीआई सेट है, ठीक है, कि कंप्यूटर उसको बताता है कि क्या करना है, वो पता नहीं कंप्यूटर को शायद जवाब देता होगा, कुछ होता होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब एसी का आप रिमोट का बटन दबाते हैं ना, तो वो रिमोट इज़ अ पीस ऑफ मशीन ना, दैट इज बैटरी पावर्ड। तो मशीन जो रिमोट एक मशीन है, उसमें आप एक बटन दबाते हैं तो रिमोट जो मशीन है वो दूसरी मशीन से बात करती है, एसी से, उसको कुछ सिग्नल देती है, कुछ होता है, कुछ पता नहीं क्या, आपस में इनकी एपीआई सेट है कुछ। वो एपीआई इस रिमोट को पता है उस एपीआई को कैसे हिट करना है, और उस एसी को समझ में आ जाता है जब ये रिमोट बोलता है ना, उसको एसी को समझ में आ जाता है। अच्छा, हर एसी की एपीआई अलग होती है, जब भी उसका रिमोट भी अलग होता है। तो ये मैंने कुछ आपको लेम किस्म की ना एग्जांपल्स दी हैं एपीआई, ठीक है। वेल, ये एपीआई जब आप, अच्छा, ये जो एपीआई है ना सर्वर वाली, इस खास किस्म की एपीआई को हम क्या कहते हैं, वेब एपीआईज। सही है, वेब एपीआईज, कि ये ओवर द वेब कॉल होती है, जो रिमोट का बटन दबा रहे हो वो ओवर द वेब नहीं कॉल हो रही, ये वेब एपीआईज कहलाती है। आपका सर्वर क्लाउड में कहीं मौजूद है, आपने एपीआईज एक्सपोज की हुई है उसकी। अच्छा, एपीआई ना एक्सपोज करनी होती है, अगर मैं एपीआई एक्सपोज नहीं करूं तो कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। इन्होंने भी एपीआई एक्सपोज किया है, एसी को ऑन करने का, ऑफ करने का एपीआई एक्सपोज किया, तो रिमोट से वो चलता है, ठीक है। तो अब मेरा सर्वर कहीं क्लाउड में मौजूद है या मेरे घर पर भी मौजूद है, डजेंट मैटर। तो इस सर्वर की जो APIs एक्सपोज हुई है एक्चुअली, और इसको क्या करती है, इस API को दूसरी मशीनें कॉल करती हैं। दूसरी मशीनें कौन है, मोबाइल ऐप्स, वेब एप्लीकेशंस, IoT की डिवाइसेस, गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, स्मार्ट वॉचेस, जहाँ जहाँ से भी इंटरनेट का एक्सेस हो सकता है। स्मार्ट बल्ब भी हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, स्मार्ट बल्ब भी इंटरनेट से बात करता है सर्वर से, तो वो API असल में कॉल कर रहा होता है। अच्छा, तो वो APIs ना, वेब APIs हम आज बनाने जा रहे हैं। अच्छा, तो मैंने बोला कि भाई जब आप बोलोगे ना स्लैश वाटर, तो रिस्पांस में ये आपको क्या जवाब देगा, हेयर इज योर वाटर, ठीक है। अच्छा, जब आप इसको बोलोगे ना पिज्जा, तो ये आपको क्या जवाब देगा। अच्छा, कंसोल भी कराते हैं ना, कॉन्सोल में मैंने लिखा समवन इज आस्किंग फॉर पिज्जा, सही है, और जवाब में मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे ठीक है, हेयर इज योर पिज्जा लिख दिया मैंने, देख रहे, थोड़ा दिल खुला कर लो, खिला दो किसी को पिज्जा, क्या हो गया। कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, बॉट, अच्छा आप देख रहे हो मैंने डिफरेंट ना APIs यहां पे बना दी। अच्छा, एक और बना देते हैं। अच्छा, क्या बना देते हैं, आइसक्रीम, सही है, बल्कि कॉफी बना देते हैं, कॉफी बना देते हैं। तो तीन APIs मैंने बना दी यहाँ पे। अच्छा, इन तीन APIs के अलावा अगर कोई चौथी API आप कॉल करते हैं जो यहाँ पे बनी भी नहीं है, जो यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है अपने सर्वर पे, तो क्या होगा, वो सर्वर बोल देगा कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। जैसे आप वेटर को जाके अगर बोलेंगे, वेटर आपको खाना ला के दे सकता है, अगर आप उसको बोलेंगे कि मेरी गाड़ी भी साफ़ कर दो बार या इस तरह की कोई दूसरी बात, आप कहेंगे यार अपना फ़ोन मुझे दे दो, ठीक है, तो इस तरह की कोई बात वो आपकी सुनेगा नहीं मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस क्या, आपका पहले से दोस्त हो तो बात और है, हाथ पैर का मजाक आपका हो, लेकिन आपकी ना इस तरह की कोई वो दूसरी ऑल फॉल बात सुनेगा नहीं, वो कहेगा यार ये मेन्यू है इसमें से देखो और इज्जत से मुझे बताओ कि क्या खाना है, ड्रामेबाजी नहीं करना। अच्छा, तो
ये हमारा ना एपीआई जो मैंने एक्सपोज किए ना, जो एपीआई वही एपीआई सामने से एक्सेस किया जा सकता है, उन्हीं एपीआई को कॉल किया जा सकता है। जो एपीआई मैंने एक्सपोज नहीं की ना, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं एक्सपोज किया, तो स्लैश ब्रेकफास्ट करके कोई मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। अच्छा, तो अब मैं इस सर्वर को ज़रा रन करता हूँ, बल्कि रन तो ये हुआ है पहले से, रोक के दोबारा चलाता हूँ और ज़रा मैं आपको ना अपनी आई पी बताता हूँ। आई पी क्या है? 1618202। चलो भाई, ये मेरी आ गई आईपी, लगाओ रिक्वेस्ट है। ठीक है, अब देखो इससे तुम मांगोगे ना, क्या मांगोगे? वाटर मांगोगे, पिज्जा मांगोगे और कॉफी मांगोगे, तीन चीज मांग सकते हो इस सर्वर से। किस पे आ रहा है? किस पे आ रहा है? नहीं, वो तो स्लैश पे मैंने कुछ बनाया ही नहीं है ना। चलो स्लैश भी बना देता हूँ, ये लो स्लैश, ये मैंने स्लैश बना दिया, सही है। मैंने कहा मेन पेज है, मैंने कहा यू कैन आस्क फॉर वाटर पिज्जा एंड कॉफी। ये लो, जो स्लैश की रिक्वेस्ट भी अब मैंने बना दी, पहले स्लैश पे कुछ भी नहीं था। सही है, कुछ बंदे वाटर मांग रहे हैं, कुछ बंदे पिज्जा मांग रहे हैं, ये सब मुझे यहाँ पे पता चलता जा रहा है। ठीक है, मेरा जो कंप्यूटर है, मेरी मशीन है, जो माई मशीन इज एक्टिंग लाइक अ सर्वर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है, आपकी हर आने वाली रिक्वेस्ट का जवाब दे रहा है। अच्छा, अब अगर आप कोई ऐसी चीज लिख के भेज दें जो यहाँ पे मौजूद नहीं है बनी हुई, कैन नॉट गेट लिखा हुआ जाएगा, 404 नॉट फाउंड, खत्म हो गई बात। अच्छा, तो ये कोर कॉन्सेप्ट जो था सर्वर का, जो कोर कॉन्सेप्ट था वो होपफुली सब लोगों को क्लियर हो गया। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी का कोई सवाल है, अगर है तो प्लीज पूछ लें। अभी सर्वर का जो कोर कॉन्सेप्ट था, अब ये सर्वर किस लैंग्वेज पे बना हुआ है, किस चीज़ पे चल रहा है, वो अब आगे शुरू होगी कहानी सारी। अच्छा, ये सर्वर जो है ना, अभी जावास्क्रिप्ट में मैंने बनाया ना, ये हर लैंग्वेज में बन जाता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। पीएचपी में भी यही बनता है, सी शार्प में भी यही बनता है, .NET पे भी, सब में यही बनता है, सर्वर यही है, चाहे किसी भी लैंग्वेज में आप मर्जी बना रहे हो। ये कोर कॉन्सेप्ट सर्वर का हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब इसको मैं रोक देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ा मेरे जा चुके हैं यहाँ से। अच्छा, अब जो है ना, यहाँ पे आपने नोट किया एक चीज़, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नोट की कि पहले आप कॉल करते हैं आईपी कॉलन 3000, तो ये आपको बताता है कि यू कैन आस्क फॉर पिज़्ज़ा एंड कॉफ़ी। फिर आप क्या करते हैं, वो स्लैश पे आप ना जाके लिखते हैं, सही है, या तो आप स्लैश वाटर लिखते हैं, या तो आप स्लैश पिज़्ज़ा लिखते हैं, या तो स्लैश कॉफ़ी लिखते हैं। अब ये एपीआई को ना, अगर मिसाल के तौर पर मैं पोस्ट की एपीआई बना दूं, जैसे मैंने कल जिक्र किया था ना कि चार तरह की रिक्वेस्ट होती है, गेट पोस्ट पुट और डिलीट, कि जब हम गेट की रिक्वेस्ट कब करते हैं, जब सर्वर से कुछ मंगवाना होता है, और पोस्ट की रिक्वेस्ट कब करते हैं, जब सर्वर पे हम कुछ भेज रहे होते हैं। अच्छा, तो मैं अगर पोस्ट की रिक्वेस्ट बना दूं यहाँ पे पानी की, मैंने कहा पानी, पानी आप भेज रहे हैं मुझे मिसाल के तौर पर, सही है, मैंने कहा पोस्ट की रिक्वेस्ट वाटर पे, तो मैं इसको रिस्पांस क्या दे रहा हूँ, मैं इसको रिस्पांस दे रहा हूँ ओके आई हैव रिसीव्ड वाटर। ठीक है, आपने वाटर भेजा, वाटर मिल गया उसको, इसने बोला आई हैव रिसीव्ड वाटर। समवन इज ऑफरिंग वाटर, ठीक है, आप भेज रहे हैं ना, मुझे यहाँ भेज रहे हैं आप, पोस्ट कर रहे हैं आप वहाँ से अपने पास से, तो मेरे पास यहाँ पे रिसीव होगा। अच्छा, मैंने इसका क्या नाम रखा, मैंने रखा ऐप डॉट पोस्ट, ऐसे ही मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट बना दी। अब ये कैसे करोगे, दोबारा मैंने रन कर दिया सर्वर सेम एपीआई में, अब ये पोस्ट करो कैसे करोगे, ये तो ब्राउज़र से होगा ही नहीं, इसके लिए एक स्पेशलाइज टूल है। जब हम एपीआई बनाते हैं, जब हम सर्वर लिखते हैं, तो उसको टेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज
टूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे केस में ये टूल कौन सा है? थंडर क्लाइंट, ठीक है, थंडर के नाम से क्या। अच्छा, दो क्लाइंट्स हैं, थंडर आजकल थोड़ा ज्यादा चल रहा है, लेकिन पोस्टमैन और थंडर, ये दो हमारे पास है। सर, ये पिज़्ज़ा वाला सर्च कैसे करना है? तुम्हें अभी तक यही नहीं समझ आया? पूछो ना। देखो, ये वाला एड्रेस लिखो, स्लैश पिज़्ज़ा लगा दो उसको, 3000 के बाद, ठीक है, स्लैश पिज़्ज़ा, सही है, तो पिज़्ज़ा मिल जाएगा तुम्हें। सब लोग पिज़्ज़ा खा पी के ख़त्म भी कर दिए, भूखा बैठा है, मिल ही नहीं, मिल गया, वाटर भी मंगवा लो, कॉफ़ी भी मंगवा लो, ताकि मील पूरा हो जाए तुम्हारा। हाँ यार, पढ़ाई करने में बड़ी मेहनत लगती है ना, थोड़ा खा पी के पढ़ाई करो। अच्छा, तो अच्छा, सब लोग क्या करो प्लीज़, सब लोग ना ये थंडर क्लाइंट अपने पास इंस्टॉल कर लो, ये इसका वी एस कोड का ना एक्सटेंशन है, ज़्यादातर पीसी में पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या करोगे, ये थंडर यहाँ पे ना ऐसे क्लिक होके आ जाता है, ये देख रहे हो, ये ऐसे बना हुआ आ जाएगा थंडर। कैसे होगा इंस्टॉल, ये जाओगे एक्सटेंशन में, इधर ना, इधर एक्सटेंशन पे जाके क्लिक करोगे, एक्सटेंशन पे जाके लिखोगे THUNDER थंडर, ठीक है, और थंडर ये जो पहला वाला है ना थंडर क्लाइंट, इसको इंस्टॉल कर लोगे। ये मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे ही इंस्टॉल करोगे इसको, तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखो ऐसे थंडर क्लाइंट बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कर दोगे, इस पर क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन खुल जाएगी, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट का बटन दबाओगे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे न्यू रिक्वेस्ट खुल जाएगी। यहाँ पर URL की जगह पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे मैं लोकल होस्ट लिखूँगा, क्योंकि मेरी तो अपनी ही मशीन पर चल रहा है, ठीक है। आप लोग मेरी IP लिखेंगे, चलो मैं भी IP लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए। कहाँ गया वो मेरा कोड, ये रहा, अच्छा इसी में ही ना, मैं भी अपनी IP लिख लेता हूँ, लेकिन मैं वैसे असूलन मुझे लोकल होस्ट लिखना चाहिए। लोकल होस्ट एक मतलब समझो कांस्टेंट होता है, उसमें हर वक्त आपको आपकी IP मिल रही होती है। लोकल होस्ट 3000/pizza, सही है, ये मैंने लिखा। अभी रिक्वेस्ट की टाइप यहाँ पे मैंने क्या बोला है, गेट है, ठीक है, और मैंने कहा सेंड। जैसे ही सेंड किया देखो रिस्पॉन्स यहाँ पे आ गया, हेयर इज योर पिज़्ज़ा आ गया। अच्छा, अब मैं जब करूँगा ना इस पर वाटर, ठीक है, वाटर मैंने किया, और वाटर क्या कर रहा हूँ मैं, गेट की रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो ये हेयर इज योर वाटर। अब मैं वाटर पोस्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से, ये चीज़ मैं डायरेक्ट ब्राउज़र से नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे API टेस्टिंग का टूल चाहिए होगा कोई ना कोई। मैं ब्राउज़र से डायरेक्ट पोस्ट की रिक्वेस्ट ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसने क्या बोला, आई हैव रिसीव्ड वाटर, चलो शाबाश, फटाफट अब वाटर मुझे भेजो यहाँ पे। अबे थंडर क्लाइंट इंस्टॉल करो ना, आसान थोड़ा, कर लिया इंस्टॉल, बस यहाँ पे जाओ, ये न्यू रिक्वेस्ट का बटन दबा के जो URL ब्राउजर में लिखते हो वो यहाँ लिख दो, सही है, और इसको पोस्ट कर दो, और पोस्ट करने के बाद यहाँ से सेंड का बटन दबाओ, लिखा हुआ जाएगा कि भाई वाटर चला गया आपका सर्वर पर, सही है, ये देखो समवन इज ऑफरिंग वाटर, सब आना शुरू हो गया, सब लोग मुझे पानी पेश कर रहे हैं। इतना सारा पानी मैं करूँगा क्या? अच्छा, बाय द वे लास्ट क्लास में मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमने ना सर्वर बना लिया, लेकिन हम पड़ोस वाले कंप्यूटर से जब कॉल करते हैं तो हमें वो कॉल नहीं हो रहा है ना, बहुत सारे लोगों के पास। तो विंडोज़ में ना मैं आपको बता देता हूँ, IP ना 2-3 होती है अलग अलग, तो कौन सी IP सही है, आप ना टास्क मैनेजर खोलोगे, ठीक है, और टास्क मैनेजर खोल के आप किस में जाओगे, नेटवर्क में जाओगे ना, ठीक है, कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको दिखेगी, ये देख रहे हो इस तरह का खुलता है ना टास्क मैनेजर, इसमें आप ये क्लिक कर दोगे नीचे, वाईफाई से अगर आप कनेक्ट हो तो वाईफाई पे, और अगर आप तार वाले इंटरनेट से कनेक्ट हो तो तार वाले पे, ये दोनों इधर आ रहे होते हैं। जब आप वाईफाई पे क्लिक करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे देखो IP आ रही होती है IPv4,
ये आईपी कौन सी होती है, आपके लोकल नेटवर्क का जो पूल है ना उसकी आईपी होती है। तो ये आईपी इस नेटवर्क के अंदर अंदर रहते हुए अगर कॉल की जाए तो आपका कंप्यूटर इसमें मिल रहा होता है, सही है। तो यहाँ से आपने उठाना है। अच्छा, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों के पास ना दो तीन आ रहे हैं, ये क्योंकि इसमें नेटवर्क के कार्ड वार्ड पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, तो दो तीन आ रहे होते हैं। तो आप ये ईथरनेट पे भी क्लिक करोगे ना, बावजूद इसके वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ आईपी दिखा रहा होगा। या आप लिखोगे ना आईपी कॉन्फ़िग, तो उसमें तीन चार आईपीज आ रही होती हैं। तो ये वाली आईपी ना आपकी जो है उससे करोगे तो सही मिलेगा। ये अगर आप ये लिखोगे ना गूगल पे जाके कि व्हाट इज़ माय आईपी, तो वो देता है पब्लिक आईपी, दैट इज़ अ होल डिफरेंट थिंग, उस पर नहीं मिलेगा फिर वो आपको ना। अच्छा, पब्लिक आईपी मोस्ट प्रॉब्ली सब लोगों की सेम होगी। आप दो तीन चार कंप्यूटर पे आप लिखेंगे ना व्हाट इज़ माय आईपी, तो सबका सेम ही आ रहा होगा वो, सही है। करके देखो, दोनों लिखो व्हाट इज़ माय आईपी, जो पब्लिक आईपी ना सब लोगों की सेम होगी यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोवाइडर आपका सबका एक ही है, एक ही नेटवर्क पे कनेक्टेड है आप सब लोग। आस्किंग फॉर वाटर ही चल रहा है अभी तक, आस्किंग नहीं भाई, ऑफरिंग वाटर। किस पे भेजा तुमने? HTTP नहीं लगाया ना वो, सॉरी नहीं, हाँ HTTP नहीं लगाया तुमने, HTTP लगाओ :// आ रही है सेम ना, सही है। ये है प्रॉपर URL ना, जो थंडर पे लिखोगे ना तो प्रॉपर URL HTTP के साथ है। HTTPS थोड़ी ना लगाना था, S हटा दो, S नहीं लगाना भाई, वो तो सिक्योर सर्वर के लिए होता है। अच्छा चल रहा है, अच्छी बात है चल रहा है तो, लेकिन प्रॉपर यही है। क्यों भाई, कौन से नेटवर्क से कनेक्ट हो तुम? वाईफाई का नाम बताओ, ऑफिस स्टूडेंट वन पे करो। अच्छा, पता नहीं फिर ये वही चक्कर है कोई, तुम शायद दूसरे नेटवर्क पे कनेक्ट हो इसीलिए तो मुझे नहीं मिल रही मेरी। अच्छा, वो सही मिल रहा है, कोई दूसरी API चल रही है? ब्राउज़र वाली चल रही है, यहाँ पे नहीं चल रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, तुमने URL वगैरह में कोई गड़बड़ की हुई, चेक करो, डबल चेक कर लो, यहाँ देखो ना, यहाँ से मैच करो, सेम बिल्कुल यही लिखा है तुमने, यार ऐसा कैसे हो सकता है? पिज़्ज़ा बना हुआ है वो, पोस्ट में जो है ना सिर्फ वाटर बना हुआ है, ठीक है, पोस्ट में सिर्फ वाटर बना हुआ है। गेट में तीनों बने हुए हैं, उठा के लाओ अपने लैपटॉप जरा यहाँ पे। HTTP हटा क्या है भाइयों, HTTP हटा के चलेगा थंडर क्लाइंट में? वेल, ऐसा ही चलेगा अगर HTTP को, वेल हमें आमतौर पे इस तरह करके कॉल नहीं करना होता, हमें तो URL कॉल करना होता है ना क्लाउड का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्लाउड का URL कॉल करेंगे। ये तो अभी मैं वक्ती तौर पे आपको बता रहा हूँ ऐसे करके ना। अच्छा, अच्छा क्या सवाल है भाई, ज़ोर से पूछो जी। यार भाइयों थोड़ी खामोशी, आपके दोस्त सवाल कर रहे हैं। एरो हटा दें तो डिफरेंस क्या है? हाँ, एरो के बगैर ये एरो हटा दूँ अगर मैं तो? हाँ नहीं, एरो से तो मैं प्रॉब्लम क्या है पहले तो ये बताऊँ। फंक्शन है ना ये, एरो वाला बना दो या बगैर एरो वाला बना दो कोई फर्क नहीं है। खड़े होके तुम सवाल अपना समझ में, तुम्हारा सवाल मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, खड़े होके पूछो तो। तुम ये पूछ रहे हो कि फंक्शन जहाँ पे लिखते हैं हम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे एरो फंक्शन लगाना है या नेम फंक्शन लगाना है?
एरो के बगैर भी लगाओ तो चल जाता है बिल्कुल। ये लो मैंने फंक्शन का कीवर्ड लिखा है यहाँ पे और यहाँ से एरो हटा दिया, चल गया। कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, एक ही बात है, ये अभी भी चलेगा। ये लो रोक के दोबारा चला देता हूँ, चल गया। अब तुम्हारा इसमें सवाल किया मेरी ये समझ नहीं आया, दोनों में से कौन सा करेंगे, जो नया वाला है वो करेंगे एरो फंक्शन? इसको रोकते कैसे? कंट्रोल सी से रोकते हैं, यहाँ पे आके कंट्रोल सी दबाओगे तो रोकेंगे, ठीक है। ये फंक्शन जो है ना, जो ये एरो वाला फंक्शन है, इसके अंदर कोई इतनी वो डिफरेंट बात नहीं है, वो जस्ट सिंटैक्स का फ़र्क है। और ES6 जहाँ पर होगा एरो फंक्शन वहीं पर चलेगा। अब जस्ट इन केस कहीं तुम ऐसी जगह पे कोड लिख रहे हो जहाँ पे ES6 सपोर्टेड नहीं है, तो वहाँ तो एरो फंक्शन फिर सपोर्टेड नहीं होगा ना, वहाँ तो आप फिर नेम फंक्शन लिखोगे। लेकिन जैसा कि हम MJS वाली फाइल लिख रहे हैं, जो न्यू मॉड्यूल JS जो है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एरो फंक्शन अलाउ है हमें, हम लिख सकते हैं, तो एरो फंक्शन लिखेंगे। नया सिंटेक्स है, बेहतर सिंटेक्स है, रीडेबिलिटी बेहतर है इसकी, तो ये फ़र्क है, और तो कोई फ़र्क नहीं है। हाँ भाई, हो और किसी का कोई सवाल इसमें? अच्छा, ये जो मैंने कोड में चेंजेस किए हैं, इसको मुझे क्लाउड में भेजना है, कैसे भेजूंगा? पहले से ही कनेक्टेड है वो, तो जब भी मैं उसमें अपलोड करूंगा ऑटोमेटिक वो पकड़ लेता है, तो ये मेरा क्लाउड पे बाय डिफॉल्ट जा चुका है। अगर मैं पुश करता हूँ कोड यहाँ से, तो ऑटोमेटिक वो क्लाउड पे मेरे जा चुका होगा। क्यों रीडिप्लॉय नहीं करना होगा? ऑटोमेटिक है ना वो तो। वेल, मैंने करके नहीं देखा, लेकिन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट में तो ऑटोमेटिक खुद ही होता है, या तो कोई बटन वटन होगा, चेक लगाने का ऑप्शन होगा कोई, अभी देख लेंगे हम, करके देख लेंगे। अच्छा, अब हम जो है ना इस सर्वर को थोड़ा सा, ये तो हमने अभी अभी भी कोर कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं मसल में, अब इसको हम एक प्रॉपर रंग देते हैं। हम क्या बनाते हैं इसके ऊपर? क्रड ऑपरेशन। हम इस पर क्या बनाते हैं? क्रड ऑपरेशन। क्रड ऑपरेशन क्या होता है? क्रिएट, रीड, और यू से अपडेट, और डी से डिलीट, ये चार ऑपरेशन। कि जाहिर है जब आप किसी वेब एप्लीकेशन से जब आप रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पे, तो ये चार ऑपरेशन ही हो रहे होते हैं असल में। एट द एंड ऑफ द डे इन चारों में से कोई एक ऑपरेशन हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे फेसबुक पे जब आप पोस्ट लिखते हैं ना, और पोस्ट लिख के आप पोस्ट का बटन दबाते हैं, तो एक्चुअली सर्वर पे सेंड हो जाता है वो, और जाके सर्वर पे सेव हो जाता है, तो दैट इज राइट ऑपरेशन। ठीक है, राइट ऑपरेशन इसको कहेंगे हम, यानी सी वाला क्रिएट जो है ना, वो ये वाला ऑपरेशन हुआ। अच्छा, फिर अपना ही जो प्रोफाइल का पेज है वो आप ओपन करते हैं अपनी ही पोस्ट को देखने के लिए, तो दैट इज रीड ऑपरेशन, वो सर्वर से रीड करके लाता है, राइट? ऐसा ही है ना। तो हम एक काम करते हैं, हम एक टू डू एप्लीकेशन बनाते हैं। टू डू एप्लीकेशन बहुत आसान होती है। कैसी होती है? एक उसमें टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ रहा होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होता है, उसमें कुछ भी लिख के मैं ऐड करता हूँ, तो वो टू डू में जाके ऐड हो जाता है। हमारा जो air.sysborg है वो क्या है? वो यही तो है, कुछ भी लिखते हैं, सेंड करते हैं, जाके सर्वर पे सेव हो जाता है, और सब लोगों को शो भी हो जाता है वो, क्योंकि सब लोगों के पास सर्वर से वो आ रहा होता है। तो हम ना काइंड ऑफ air.sysborg टाइप की एक एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं अभी फिलहाल, ऐसे प्रैक्टिस के लिए। भाई जब वो भी आप जैसे स्टूडेंट्स नहीं बनाया था, तो आप उसका बेहतर वर्जन बना के पेश कर सकते हैं। अगर उससे बेहतर कोई बनाएगा इस क्लास में, तो मैं अपडेट कर दूंगा, वो वाला हटा के आपका लगा दूंगा, ठीक है? तो फिर आपको ये एक एजाज हासिल होगा कि आपकी एप्लीकेशन मेरे पास चल रही हुई, लेकिन ज़रूरी है कि उससे बेहतर हो, उसका UI रिस्पॉन्सिव। अभी वो रिस्पॉन्सिव नहीं है, मोबाइल पर सही नहीं खुलता वो, ठीक है? तो क्लास में सबसे अच्छा वही था, तो मैंने वो लगा दिया। उससे अच्छा होगा तो रिप्लेस हो जाएगा, वो आपका लगा दूंगा। अच्छा, अब इसकी API में सबसे पहले क्या चीज़ होगी बताओ? सबसे पहले एक वेरिएबल होगा जिसके अंदर वो डेटा सेव होगा सारा, ठीक है? तो मैंने कहा लेट और क्या नाम रखा जाए यार वेरिएबल का? हाँ, वैल्यूज या पोस्ट या टू डूज रख देते हैं, चलो। और टू डूज एक एरे है। टू डूज क्या है? एक एरे है जो फिलहाल एम्प्टी है। कोई पोस्ट करेगा तो इस एरे में आके सेव हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना है? सबसे पहले मैंने पोस्ट बनाना है। किस पे बनाऊंगा मैं पोस्ट? टू डू, ठीक है? एक मैं कह रहा हूँ कि मेथड होगा पोस्ट, और उसका URL होगा टू डू। तो आपको क्या करना है? आपको ये वाला काम करना है। अब इसमें मैंने क्या बोला आगे?
इसमें मैंने आके बोला कि भाई साहब ज़ाहिर है पोस्ट की रिक्वेस्ट में बॉडी होती है, तो मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है डॉट, अच्छा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर एक जेसन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अब टू डू में ना दो तीन चीज़ें हो सकती हैं, टेक्स्ट इमेज वगैरह कुछ हो सकता है। तो मैंने कहा यार बॉडी डॉट टेक्स्ट, कि बॉडी में जो भी टेक्स्ट आया ना उसको क्या कर दो आप, मेरे वेरिएबल में सेव करवा दो। अभी ये टू डू खाली है ना, कैसे सेव होगा, टू डू डॉट पुश, सही है, तो ये पुश हो गया उसके अंदर, टू डूज डॉट पुश। और टू डूज डॉट पुश करने के बाद मैं रिस्पॉन्स में क्या भेजूंगा, रिस्पॉन्स में मुझे जेसन ही भेजना है, रिस्पॉन्स में भी, रिस्पॉन्स में भी मुझे जेसन भेजना है ना, रिक्वेस्ट भी जेसन आई है, रिस्पॉन्स भी जेसन है, बावजूद इसके कि मैं टेक्स्ट रिस्पॉन्स भेज सकता हूँ, लेकिन स्टैंडर्ड ये बोलता है कि जेसन भेजना चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉलो करें तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे कोड जब भी चलेगा आपका, लेकिन स्टैंडर्ड फॉलो करना बेहतर है। तो मैंने कहा जेसन यहाँ बनाओ, और मैंने कहा एक अदद होगा इसमें मैसेज, मैसेज जो यूज़र रीडेबल मैसेज, मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से भेजूँ तो सामने यूज़र को दिख भी जाए। मैंने कहा योर टू डू इज सेव्ड, ठीक है, और साथ में मैं एक डेटा भी भेज देता हूँ, ठीक है। डेटा में क्या भेज देता हूँ, पूरा का पूरा टू डू का वेरिएबल, अभी जो टू डू का वेरिएबल है ना पूरा भेज देता हूँ, टू डू इज एक्चुअली एस बी है, सही है, आसान था ये, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा अब क्या करेंगे आप, अब इस API को आप कॉल करेंगे, पोस्ट करेंगे आप स्लैश टू डू करके, और जो भी आप टेक्स्ट लिख के भेजेंगे ना रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में टेक्स्ट लिख के भेजेंगे, वो कहाँ सेव हो जाएगा, जाके इस टू डूज के वेरिएबल में जाके वो ना सिर्फ सेव हो जाएगा बल्कि वो आपको रिटर्न आपको पूरा दे भी देगा वो। अच्छा अब इसको गेट करने का भी एक बनाना है, इसको गेट करने का भी एक बना देते हैं, गेट करने का क्या बनाया जाए, स्लैश टू डू, सही है, टू डूज एक्चुअली, ठीक है, गेट टू डूज, इसमें एस लगाया। अभी ये एस क्यों लगाया मैंने अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, वो REST API के प्रिंसिपल्स हैं। अच्छा अब मैंने इसमें क्या बोलना है, इसमें मैंने क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड में मैंने एक जेसन भेजना है, और मैंने ये कहा मैसेज होगा मेरे पास, मैसेज में क्या लिखूँ मैं, हेयर इज योर टू डू लिस्ट, ठीक है, और एक अदद मेरे पास डेटा होगा। अच्छा ये जेसन में ना अभी मैं बना रहा हूँ ना मैसेज और डेटा, ये आपकी मर्जी है, ये कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको डेटा नाम रखना है या मैसेज रखना है। आप यहाँ पे लिखते हैं भाई यूज़र मैसेज लिखते हैं आप, जो आपका दिल करे, मतलब इस जेसन में यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आप जैसा मर्जी जेसन भेजें। हाँ लेकिन ये कि हर API का फिर ना रिस्पॉन्स आमतौर पर हम कोशिश करते हैं यूनिफॉर्म रखें, यानी जितने भी रिस्पॉन्सेज आएंगे ना फिर उसमें मैसेज मैं लाजमी भेज रहा हूँ, क्योंकि मैसेज में क्या करवाता हूँ, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाता हूँ अलर्ट की सूरत में या किसी भी सूरत में डिस्प्ले करवाता हूँ। मैंने कहा डेटा में टू डूज पूरा, ठीक है, तो ये क्या बन गया, पोस्ट बन गई और गेट की जो ये APIs है ये दोनों बन गई। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा एक छोटा सा मुझे काम करना पड़ेगा, वो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है। असल में होता क्या है कि जब जाहिर है जैसे मैंने जिक्र किया था कि बॉडी जब आप रख के भेजते हैं ना तो वो इनक्रिप्ट होके जाता है, रास्ते में पता नहीं होता किसी को कि इस बॉडी में क्या है, और जब वो पहुंच जाता है सर्वर पे तो उसको पहुंच के हमें उसको डिक्रिप्ट करना होता है। तो डिक्रिप्ट करने के लिए ना एक चुन्नी सी ये छोटी मोटी सी एक लाइन है, ये ऐसे ही लिखनी है आपको हमें हर दफ़ा, ये बॉयलर प्लेट कोड है काइंड ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे, अगर ये लाइन मैं नहीं लिखूंगा ना तो बॉडी मुझे फिर इनक्रिप्टेड मिलती है और वो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एक लाइन मैंने लिखी है एक्सप्रेस डॉट जेसन के नाम से, मैं इसमें ये बता रहा हूँ इस लाइन में कि भाई साहब जो बॉडी आएगी ना आपके पास वो होगी जेसन में, और उसको आपने करना है डिक्रिप्ट, वो ये खुद देख लेगी लाइब्रेरी कि उसको कैसे डिक्रिप्ट करना है। जेसन के अलावा भी मैंने बोला था कि लाइब्रेरी जो जेसन के अलावा भी ना हैं और भी, XML में होती हैं APIs, ठीक है, YAML में भी होती है, और टेक्स्ट बेस्ड भी APIs होती हैं, वो टेक्स्ट ही लेती हैं और टेक्स्ट में ही रिस्पॉन्स देती हैं, पूरा का पूरा HTML का पेज भी रिटर्न करती हैं APIs। तो मुख्तलिफ तरह के डेटा टाइप्स हो सकते हैं इस बॉडी के अंदर। तो मैंने बोला भाई जो हमारे पास बॉडी आएगी ना इस सर्वर के ऊपर वो तमाम की तमाम होगी जेसन, तो आप उसको जेसन के हिसाब से देख लो कि क्या करना है। लाइब्रेरी का काम है अब वो कैसे उसको हैंडल करती है, हमारा काम ये लाइन लिखने के बाद पूरा हो गया। अच्छा
तो अब मैं इसको कर देता हूँ सेव और सर्वर को मैं कर देता हूँ रीस्टार्ट। ठीक है, अब जल्दी से टू डू भेजना शुरू करो सब लोग, और मैं यहाँ से टू डू को गेट करता हूँ। ठीक है, जो गेट करने वाली एपीआई है उसमें एस लगा हुआ है, ये याद रखना, टू डूज लगा हुआ है, टू डूज। अरे ये तो ब्रेक हो गया कोड, अनएक्सपेक्टेड टोकन पोजीशन वन। अच्छा ये तो मुझसे पूछा ही नहीं तुम लोगों ने कि भेजना कैसे है, ये भी तो पूछो। अच्छा पोस्ट करोगे ना तुम, क्या करोगे, टू डू पे पोस्ट करोगे। ठीक है, ऐसे करके करोगे राइट, पोस्ट और लोकल होस्ट 3000 टू डू। यहाँ पे आप लोग लिखोगे आईपी क्योंकि आप दूसरे कंप्यूटर पे, मैं लिखूंगा लोकल होस्ट क्योंकि मेरे ही कंप्यूटर में आईपी भी लिख सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। वेल उसके बाद मैं क्या करूँगा, बॉडी में मुझे डेटा भेजना है ना, मुझे डेटा किस में भेजना है, बॉडी में भेजना है। तो ये मैंने बॉडी पे क्लिक कर दिया आगे। अच्छा बॉडी में देखो क्या क्या आ रहा है, जेसन, एक्सएमएल, टेक्स्ट फॉर्म, ग्राफक्यूएल, बाइनरी, अलग अलग तरह की बॉडी आप भेज सकते हैं। मैंने कहा सबसे फर्स्ट वाला जो है ना जेसन, मेरी ज़रूरत है जेसन फिलहाल। मैंने ये बॉडी जो भेजनी है टू डू की वो जेसन में भेजनी है, तो मैंने यहाँ पे जेसन बनाया है तो, और इसमें क्या रखा मैंने, टेक्स्ट। ठीक है, और मैंने कहा माई फर्स्ट टू डू, और सेंड का बटन दबा दूंगा मैं राइट। ये मैंने सेंड का बटन दबा दिया, ये क्या हुआ, रिस्पांस नहीं आया, ये मेरा सर्वर क्रैश हो गया असल में। रिस्पांस आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा शायद, मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहा रिस्पांस यहाँ पर। अरे वो असल में, अच्छा सही है, वो मेरे समझ आ गया क्या सीन है। हाँ ये ग्लिच है इसका, वीएस कोड का कोई ग्लिच है ये मेरे पास। अच्छा माई फर्स्ट टू डू बहुत दफ़ा आ गया। अब जल्दी से ना सब लोग इसमें अपना अपना नाम लिखो टू डू लिस्ट में, और अब मैं इसको करूँगा गेट। अब मैं गेट करके देखूँगा कितने लोगों का नाम इसमें आ रहा है। अच्छा यार ये सारे मसले तुम्हारे पास ही क्यों आ रहे हैं, तो कितने लोगों ने अभी तक कर दिया है, बहुत बड़ी फाइल बना दी तुम लोगों ने, 194 लोगों ने तकरीबन अपना नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। सही है भाई, तो तुम्हारा डेटा सर्वर पे जाके सेव होना शुरू हो गया, मेरे कंप्यूटर पे इस वक्त मेरा कंप्यूटर सर्वर है, सर्वर पे सेव होना शुरू हो गया, सब लोग एग्री कर रहे हैं उससे, गेट भी होना शुरू हो गया। ठीक है गेट भी हो रहा है। अच्छा अब क्या हम हमेशा इसको इसी तरह कॉल करेंगे पोस्टमैन से, हमें इसको कहाँ से कॉल करना है, हमें इसको ब्राउज़र से कॉल करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन से कॉल करना है, हमें इसको कहाँ से कॉल करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन से कॉल करना है। सही है, तो क्या ख्याल है, छोटी सी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन बना ली जाए, आ जाओ बनाते हैं फिर। तो मैंने क्या किया, इसी फाइल के अंदर जो मेरा सर्वर की फाइल थी इसी में मैंने index.html के नाम से एक पेज बना लेना है। मुश्किल तो नहीं है, आसान है बिल्कुल। अच्छा index.html के नाम से मैं पेज बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर index.html के नाम से जो पेज बनाया ना मैंने, इसमें मैंने क्या लिख दिया, h1 हेडिंग लगा दी, मैंने कहा टू डू ऐप विथ सर्वर, कि भाई अब टू डू ऐप बनाने लगे हैं हम सर्वर के साथ। अच्छा इनपुट आउटपुट वाला जो कोड था ना वो ज़रा मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से, है ना, इनपुट आउटपुट हमें यही चाहिए, इनपुट आउटपुट और क्या चाहिए हमें। सही है, इनपुट आउटपुट मुझे चाहिए। अच्छा इनपुट में मुझे क्या चाहिए, इस बार एक इनपुट चाहिए बस, एक इनपुट मुझे क्या चाहिए,
टू डू, सही है। आईडी मैं इसकी रख देता हूँ टू डू ही रख देता हूँ इसकी आईडी भी मैं, टाइप इसकी मैं रख देता हूँ टेक्स्ट, जाहिर है टेक्स्ट में होगा, रिक्वायर्ड भी है ये। सबमिट ऐड बना देता हूँ, इसके ऊपर नाम रखता हूँ मैं ऐड। अच्छा सबमिट होने पे फंक्शन चलता है डू सम, मैं इसमें क्या नाम रख दूंगा, सेंड टू डू, ठीक है, या पोस्ट टू डू शायद बेहतर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन जब मैं सबमिट का बटन दबाऊंगा तो ये टू डू को पोस्ट कर देगा। कहाँ पोस्ट कर देगा, किसी जगह पे सर्वर में कहीं पोस्ट करेगा ये। तो मैंने क्या बोला कि यार ऐसे करके बना लो। अब इसको ज़रा खोल के देखते हैं अभी तक कैसा नज़र आ रहा है, जो हमारी जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन है अभी तक वो कैसी नज़र आ रही है। कुछ इस तरह की नज़र आ रही है, सही है, गुड इनफ है, ऐसी ही चाहिए थी हमें, ऐसी एप्लीकेशन चाहिए थी ना हमें, क्या टू डू लिखे बंद और ऐड का बटन दबा दे। शायद इसमें मुझे लाइन ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, सही है, लाइन ब्रेक की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे भी चल जाएगा कि भाई यहाँ पे मैं टू डू लिखूँ कुछ और ऐड का बटन दबा दूँ, ठीक है। अच्छा ऐड का बटन दबाने से क्या होता है, अभी ये मैं उठाता हूँ यहाँ से वेरिएबल जो भी था मेरा, मैंने कहा भाई टू डू टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और मैंने आईडी भी टू डू रख दी थी ना इस बार, सही है, और ये मैंने टू डू टेक्स्ट यहाँ से उठा लिया, सही है। अब ये वाला जो टेक्स्ट मैंने अभी अभी उठाया है इसको मैंने कहाँ भेजना है, इसको मैंने भेजना है मेरे सर्वर पे, राइट, कैसे भेजूंगा मैं इसको सर्वर पे, जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशन से सर्वर कैसे कॉल करता हूँ मैं, एक्सियोस से कॉल करता हूँ, ठीक है, तो एक्सियोस लेकर आ जाते हैं। एक्सियोस की सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगी, सीडीएन, एक्सियोस का सीडीएन उठा लेते हैं, कहाँ है भाई एक्सियोस हमारा, ठीक है, ये एक्सियोस का सीडीएन ना मैं पुरानी एक ऐप है उससे उठा रहा हूँ, ये आ गया जी हमारा एक्सियोस का सीडीएन, ओके, सही है, हेड में आके मैंने ये एक्सियोस का सीडीएन लगा दिया। अच्छा एक्सियोस का थोड़ा सा कोड भी कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि कोड भी कोई इतना ज़्यादा अलग तो नहीं है, वही है ऑलमोस्ट, ठीक है, ये रहा ना एक्सियोस डॉट गेट लिखा हुआ है जो, बस ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यही तो चाहिए मुझे और क्या चाहिए, ठीक है। अब मैं आया ये जो पोस्ट टू डू जो था इसमें टू डू का टेक्स्ट उठा चुका था मैं, और यहाँ पे मैंने आके क्या पेस्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर दिया कि भाई एक्सियोस डॉट गेट, नहीं गेट थोड़ी, अब तो पोस्ट होगा ना, पोस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और यूआरएल क्या लिखूँगा मैं अभी, अभी फ़िलहाल के लिए मैं लोकल होस्ट लिखूँगा क्योंकि मेरे ही मशीन में मेरा सर्वर चल रहा है, ठीक है, कल को जब क्लाउड पे भेजेंगे हम, भेज चुके हैं भाई दोनों, तो हम क्लाउड का यूआरएल लिखेंगे। मैंने कहा कि भाई लोकल होस्ट कॉलन 3000/2do, ठीक है, HTTP भी लगाना पड़ेगा मुझे शुरू में, ठीक है, HTTP:// localhost3000/2do, इसके ऊपर मैंने क्या भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, और यहाँ पे जाहिर है मुझे बॉडी भी भेजनी है, तो कॉमा डाल के मैंने क्या किया, इसमें बॉडी को भी ऐड कर दिया, राइट, कॉमा डाल के मैंने बॉडी में क्या चाहिए था मुझे, टेक्स्ट, और टेक्स्ट के साथ साथ मैंने कहा भाई टेक्स्ट जो है वो टू डू टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर क्या रख के भेजा मैंने, ये वाला वेरिएबल जो भी था वो रख के भेज दिया। अच्छा डॉट देन में मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, रिस्पॉन्स में मुझे क्या मिलेगी, बात जो वहाँ से भेजा था वही मिलेगा, जो मैंने रिस्पॉन्स वहाँ से भेजा था वही मुझे रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से मैंने क्या रिस्पॉन्स भेजा है, टू डू जब सेट कर, टू डू क्रिएट करता है जब कोई बंदा, तो याद है क्या रिस्पॉन्स भेजा था, आ जाओ दिख लेते हैं, ये जब पोस्ट करता है ना कोई टू डू तो उसको ये जवाब आता है, एक जेसन आता है जिसमें क्या होता है डॉट मैसेज और डॉट डेटा होता है, ठीक है, ऐसा ही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो आप एज इट इज़ प्रिंट करा दो, कहाँ पे, कंसोल में। मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ कि हाँ यार मेरा जो सर्वर है ना वो सही तरह से कॉल हो गया है कि नहीं हो गया। अच्छा अगर एरर आता है तो कंसोल करवा दो एरर को भी, दैट्स इट, मेरी कोई इतनी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड किस्म की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा एसिंक का वेट हम पढ़ चुके हैं ना इस क्लास में, अच्छा चलो खैर वो बाद में पढ़ेंगे। अच्छा इसी API को ना एक्सियोस की API, एक तो हमने डायरेक्ट उठा के कॉल कर ली थी ना, इसका एक एसिंक का वेट वाला भी तरीका है कॉल करने का, ES6 है, दैट्स इट, ये ES5 का तरीका है, ES6 में एक तरीका है थोड़ा, ये डॉट देन लगता है ना जो, इसका एक नया वर्जन है, दैट इज़ कॉल्ड एसिंक का वेट, तो वो हम करते हैं, तो इसी में थोड़ी देर में चेंज करते हैं। बहरहाल अभी तो उसको ऐसे ही चलाते हैं, क्योंकि ये आप पहले से चला रहे हैं इस तरह से API, आप पहले कर चुके हैं कॉल ना, वेदर ऐप पहले किसी दूसरे का सर्वर कॉल करते थे, अब अपना खुद का सर्वर कॉल करेंगे हम,
अच्छा है ना, खुद का सर्वर होना चाहिए हमारे। अच्छा तो चलो भाई, खुद का सर्वर ये हमने बना के रेडी कर दिया, और अब मैं मोमेंट ऑफ ट्रूथ। अच्छा कॉन्सोल पे आ गया मैं, ये क्या है भाई, ये कैन नॉट रीड वैल्यू ऑफ नल। अच्छा अब जब मैं यहाँ पे लिखूँगा माई टू डू टेक्स्ट या कोई भी ऐसी बात एबीसी कुछ भी लिख के मैं जब ऐड का बटन दबाऊँगा, और अगर ये सक्सेसफुली मेरे सर्वर पे जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है अगर, तो कॉन्सोल पे उसका जवाब आ जाएगा सर्वर का, आ जाएगा। ज़रा करके देखते हैं, यार ये क्या बकवास है। अच्छा इसके लिए ना असल में ये एक पॉलिसी होती है, क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी ना, वो इसमें लगी, वो प्रॉब्लम कर रही है। इसके लिए छोटी सी लाइब्रेरी होती है, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्स, ठीक है, वो हम इंस्टॉल कर लेते हैं। अब ये कॉर्स क्या चीज़ होती है ये बाद में डिस्कस करेंगे हम कि क्या होता है, अभी फ़िलहाल हम उसको लगा देते हैं। असल में कॉर्स जो है ना वो एक सिक्योरिटी फीचर है काइंड ऑफ। वो क्या करता है, आप सर्वर पर खड़े होकर ना ये बता देते हो कि मेरे सर्वर पर क्या होगा, कौन कौन मेरे सर्वर को कॉल करेगा, ठीक है। तो मैं अभी ये बोलता हूँ कि मेरे सर्वर को हर कोई कॉल कर सकता है, अभी मैं फ़िलहाल ये बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला मेरे सर्वर को ना हर कोई कॉल करेगा, ये एक लाइन छोटी सी मैं और ऐड करने जा रहा हूँ, ये जो एक्सप्रेस डॉट जेसन था ना इसके नीचे, मैंने कहा कि मेरे सर्वर को कौन कॉल करेगा, सब लोग कॉल करेंगे, किसी को रोका ना जाए, किसी को मना ना किया जाए। और सर्वर को मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया, ये क्या बकवास है। अच्छा इसको इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा ना, जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, ठीक है। अच्छा ये जो कोर्स की लाइब्रेरी मैंने इंस्टॉल की है ये कहाँ जाके सेव हो गई है, पैकेज डॉट जेसन में वो सेव हो गई है, ठीक है। जब भी कोई इस ऐप को क्लोन करेगा उसमें वो, अब देखो दो हो चुका होगा, देखते हैं ना चल के, ये रहा डिपेंडेंसीज में ना, देखो अब ये दो हो गया, अभी अभी मैंने एक नई लाइब्रेरी और इसमें ऐड कर दी इस वजह से, ठीक है। अच्छा तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ होते होते रह गया था हमारा, चलो वापस आ जाते हैं दोबारा से वो, ठीक है। मैंने लिखा माई टू डू टेक्स्ट ए बी सी एड मैसेज योर टू डू इज सेव्ड, और ये आ गया डेटा, ठीक है। अच्छा एक और टू डू करता हूँ मैं, मैंने कहा माई सेकेंड टू डू एड, ये देखो ये ऐड हो गया। अच्छा पहले हम इसको, अगर सिर्फ सर्वर लिख रहे हैं तो हम इसको एपीआई के जरिए डायरेक्ट कॉल करेंगे, किसके जरिए, पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट के जरिए डायरेक्ट सर्वर को हिट कर सकते हैं। लेकिन हम आमतौर पे क्या करते हैं भाई, एपीआई तो मशीन के लिए होता है, मशीन कॉल करती है एपीआई, हम थोड़ी करते हैं। अब देखो यहाँ पर सिर्फ बटन दबा रहा हूँ, ये एक मशीन दूसरी मशीन को कॉल कर रही है, अभी तो दोनों मशीन एक ही इसी में ही है, लेकिन अल्टीमेटली मेरा सर्वर कहाँ होगा, क्लाउड पे, ठीक है। अच्छा अब ये टू डू मेरे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं हो रहा ना अभी, तो इसको मैं स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करवाऊँगा। स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना कहाँ गया मेरा HTML, ये रहा। मैं यहाँ पे एक रिजल्ट, हाँ रिजल्ट तो बना हुआ है पहले से यहाँ पे यार, हाँ सही है। रिजल्ट पे है ना, मैं बोलूँगा कि भाई इसको क्या कर दो, मैंने कहा रिजल्ट सॉरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा, यही है ना, मैंने भी डेटा भेजा और रिस्पॉन्स डॉट डेटा तो पहले ही होता है यहाँ पे, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा डॉट मैप एरे चलाऊँगा मैं, जो भी रिस्पॉन्स में जितना कुछ आया ना एरे चलाऊँगा मैं। इसमें बोलूँगा भाई ईच टू डू, सही है, और ईच टू डू बोलने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, रिजल्ट डॉट इनर HTML और प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। इक्वल्स टू करूँगा तो पुराना रिप्लेस हो जाएगा, मैंने प्लस इक्वल्स टू करना है, ठीक है। प्लस इक्वल्स टू में मैंने क्या कहा, मैंने कहा ईच टू डू आप डाल दो, ईच टू डू डॉट टेक्स्ट, एग्जैक्टली सही है, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं, नहीं ईच टू डू डायरेक्ट है, टेक्स्ट नहीं है उसमें, ईच टू डू डायरेक्ट डायरेक्ट स्ट्रिंग है वो। तो ये काफ़ी सही हो गया काम, रिफ्रेश किया मैंने उसको,
मैंने कहा ABC और ऐड ये सब लाइन। अच्छा वो नहीं लगा ना इसमें, BR नहीं लगाया मैंने, BR लगा दिया जाए क्या ख्याल है? और मैंने कहा कि भाई इसमें क्या कर दो आप BR, कि हर टू डू के बाद ना एक लाइन ब्रेक हो, ठीक है ABC1 ऐड। अच्छा ये तो नीचे भी ऐड होता चला जा रहा है, इसका क्या करें आप? हर API कॉल से पहले खाली करवाना होगा मुझे उसको, मैप चलाने से पहले मैंने कहा भाई इसको आप करो खाली, ठीक है। मैंने कहा पहले क्या कराओ, रिजल्ट नामी जो डिव है ना उसको पहले कराओ बिल्कुल खाली, और उसके बाद ये मैप चलाओ, मैप चला के उसमें डिस्प्ले करवाओ। अब रिफ्रेश करते हैं ज़रा, ABC ऐड। अच्छा ये सही हो गया ये तो। अब मसला ये है, मेरी ऐप जब खुलती है तो वो तो कुछ शो ही नहीं कर रहा, मतलब मैं क्या हर दफ़ा XYZ लिख के ऐड करूँगा तो फिर दिखेगा क्या मुझे? ये हर दफ़ा ऐसे करना पड़ेगा क्या? इसीलिए मैंने पोस्ट के साथ साथ गेट की भी बनाई है, कि एक तो पोस्ट कर रहे हैं तो मुझे वापस मिलना ही चाहिए कि अच्छा यार अभी क्या हो चुका है, लेकिन गेट की अलग से भी है। तो मैं क्या करूँगा, जो गेट की API है ना अलग से, उसको भी कॉल कर दूँगा यहाँ पर। कैसे कॉल करूँगा मैं? फंक्शन के बाहर, एक तो ना फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर जो चीज़ होती है वो कब चलती है? जब वो फंक्शन कॉल होता है। मैंने कहा नहीं भाई नहीं, फंक्शन कॉल नहीं करो, बस इसको ऐसे ही चलाओ, ऐसे ही चलाओ डायरेक्ट। मैंने कहा भाई exios.get, ठीक है, और टू डू में एस लगा दिया मैंने, टू डूज़। अच्छा टू डूज़ का जो रिस्पॉन्स आता है वो सेम यही रिस्पॉन्स है, ठीक है, जो ये रिस्पॉन्स है वही सेम ये रिस्पॉन्स है। तो मैंने कहा कि भाई नीचे का कोड तो सारा वही रहेगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा आएगा, उसको स्क्रीन पे कंसोल करो, उसके बाद रिजल्ट को खाली कराओ और पूरा घुमा के आप दिखा दो। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही अब मैं स्क्रीन को रीलोड करूँगा, ओए ये क्या हो गया? अच्छा टू डू टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड, ये क्या चीज़ है टू डू टेक्स्ट? ओ गेट में बॉडी नहीं होती ना, गेट की रिक्वेस्ट में बॉडी क्यों भेज रहा हूँ मैं भाई, गेट की रिक्वेस्ट में तो बॉडी नहीं होती, सही है। गेट तो सिर्फ गेट होता है, जो है सब दे दो। रिफ्रेश किया मैंने, ये आ गया। अब ये मेरी ऐप खुलेगी तो ये ऐसे मुझे दिखेगा, आता हुआ दिखेगा, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा ABC और ABC लिख के मैंने एंटर किया तो ये नीचे शो हो गया, सही है। ये मैंने कुछ और लिखा, एंटर किया, शो हो गया, सही है, बिल्कुल ज़बरदस्त काम हो गया ये। अच्छा अगर मैं अपना फ्रंट एंड, अगर इसको भी मैं लाइव सर्वर पर चला दूँ तो ये आप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको लाइव सर्वर पे अगर मैं चला दूं अपने फ्रंट एंड को, तो सेम API पे, जो सेम IP पे पोर्ट है 5500, ये वाली जो IP है ना मेरे सर्वर की, जो कहाँ गई मेरे सर्वर की IP, यही API IP है, इस पर 5500 आई है। खोलो, ओपन करो 5500, नहीं नहीं बस ये IP लिख के और 5500 लगा दो ब्राउज़र के ऊपर, तो वो पूरा पेज तुम्हें, यानी मेरा जो HTML का पेज है ना वो तुम्हें दिख जाएगा। नहीं खुल रहा, चलो नहीं खुल रहा तो छोड़ो। आ गया एक तीन ऑप्शन आ रहे हैं, जावास्क्रिप्ट, नोड.js, आउटलाइन। अरे नहीं भाई, वो इंडेक्स डॉट, इंडेक्स पे क्लिक करो, सही नहीं नहीं वो तो मैं फोल्डर करके जाना होगा। वो असल में मेरा जो फोल्डर है ना वो इस तरह बना हुआ है कि पहले इसके अंदर जावास्क्रिप्ट है, फिर Node.js है, और तो Node.js पे क्लिक करोगे, Node.js में जाके करोगे 3 पे, सही है, क्लाउड डिप्लॉय करके जो आ रहा है ना, 3 पे क्लिक करोगे तो फिर इंडेक्स ऑटोमेटिक खुल जाएगा। खुल गया ना, अब चलाओ टू डू को ज़रा, देखो क्या रिपोर्ट है। ओ अच्छा, वो पता है क्यों नहीं चल रहा, वो क्योंकि फ्रंट एंड तो तुम्हारे पास है ना, और फ्रंट एंड किसको कॉल करता है, लोकल होस्ट को, इसलिए नहीं चल रहा। खैर छोड़ो अभी वाला है ना, फ्रंट एंड को छोड़ो, सही है। अभी इसको गिटहब में वो करेंगे ना, होस्ट करेंगे गिटहब में, फिर चलाएंगे, ऐसे छोड़ दो अभी फिलहाल, इसको रोक दिया मैंने। इसको ना हम क्या करेंगे, अभी गिटहब में पूरे को क्लाउड पर भेजेंगे हम, ये पूरा का पूरा आइटम हमने सब भेजना है क्लाउड के ऊपर, ठीक है, हो गया। अच्छा अब प्रॉब्लम ये है, इसमें दो प्रॉब्लम है। नंबर एक, जब मैं अपनी ऐप को ओपन करता हूँ, कोई दूसरा बंदा अगर टू डू पीछे से ऐड कर दे तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता,
अभी फ्रंट एंड तो सिर्फ मैंने बनाया ना, लेकिन एपीआई से आप सब लोग ऐड कर सकते हैं, अभी भी हो रहा है ना ऐड, ये सब हुज़ैफ़ा वगैरह जो लिखा है उसने, ये सब एपीआई से किसी ने लिखा है यहाँ पर। एपीआई भी मौजूद है, ऐप भी मौजूद है, अभी ऐप मेरे पास है सिर्फ, एपीआई आप सब लोगों को एक्सेस मौजूद है उसका। अच्छा, तो ये जब मैं यहाँ पे, बल्कि इसको मैं पहले क्लियर करता हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें टू हो चुके हैं अभी, ठीक है, ये मैंने इसको क्लियर कर दिया। अच्छा देखो, ये ओके ओके ऐड कर रहा है पीछे से ही है, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे क्या करना पड़ता है, पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है इस ओके को देखने के लिए। अब मुझे कोई ऐसा तरीका चाहिए ना, यहाँ पे रिफ्रेश का बटन बनाना है मुझे। मैं क्या करूँगा, मतलब मैं गेट टू डू का कोई बटन बनाना चाह रहा हूँ ना, मैं क्या करूँगा, मैंने यही कोड जो मैंने बाहर लिखा था ना खुले में, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको एक फंक्शन में पैक करूँगा। मैं कहूँगा भाई साहब फंक्शन, ठीक है, गेट ऑल टू डू, सही है, और फंक्शन की बॉडी स्टार्ट और फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। अब ये फंक्शन खुद से नहीं चलेगा, अब ये फंक्शन को जब तक कॉल नहीं किया जाएगा ये खुद से नहीं चलेगा ये फंक्शन, एग्री। अच्छा, एक दफा मैं इसको यहां पे खुद से कॉल कर देता हूं, ठीक है, एक बार खुद से चल जाएगा, और ऊपर एक बटन बना देता हूं मैं। बटन कहां पे बना देता हूं, बटन, और मैंने कहा कि गेट या रिफ्रेश का बटन बना देता हूं मैं, ठीक है, रिफ्रेश, कि रिफ्रेश दबाओ तो वो रिफ्रेश हो जाए, पेज रीलोड ना करना पड़े मुझे। और इस बटन के मैंने कहा कि ऑन क्लिक पे, ठीक है, एक तो फॉर्म होता है ना, एक होता है बटन का जस्ट क्लिक होता है, कि बटन पे क्लिक हो तो क्या हो जाए, तो मैंने कहा कि यार गेट ऑल टू डूज वाला जो फंक्शन था ना, ये चला दो आप इस बटन के क्लिक पे, ठीक है। तो अब मैं जब रिफ्रेश करता हूँ इसको, यहाँ पे मैंने आगे कुछ भी पोस्ट किया यार, एक मिनट, ठीक है, मैंने यहाँ पे आके कुछ भी पोस्ट किया ऐड, ठीक है, कुछ और मज़ीद पोस्ट किया, कुछ और मज़ीद पोस्ट किया। अच्छा, अब पीछे से कोई अगर कुछ ऐड करता है ना, तो मेरे पास रियल टाइम में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं रिफ्रेश का बटन प्रेस करूँगा ना, तो मेरे पास आ जाना चाहिए। ऐड करो भाई, ए क्या नाम है, जो भी था अभी ऐड कर रहा था, जो डालो एपीआई के ज़रिए कुछ ऐड करो, कर रहे हो, हाँ ये देखो रिफ्रेश किया ना, शो हो गया, मेरा पेज रीलोड हुए बगैर रिफ्रेश हो रही है। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि हर 5 सेकंड बाद ऑटो रिफ्रेश हो, ये काम कैसे होगा, रियल टाइम हो जाएगा ना फिर, तो वही एयर डॉट सिस बार हो जाएगा, यही हो रहा है उसमें, और क्या हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि हर 5 सेकंड बाद इसको रिफ्रेश करो तो कैसे होगा, जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है सेट इंटरवेल, सेट इंटरवेल एक ऐसा कमांड होती है कि आप उसको एक सर्टेन टाइम बता देते हैं, आप कहते हैं यार हर 5 सेकंड में ना ये कोड आपने रन करना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो गेट ऑल टू डू है ना, इसको मैं बोलता हूँ कि भाई हर 5 सेकंड बाद कॉल करो आप। मैंने कहा सेट इंटरवेल, और इंटरवेल में मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई 5000 मिली सेकेंड्स, और मैंने कहा कि भाई 5000 मिली सेकेंड्स के बाद ना आप क्या करो, ये गेट टू डू को कॉल कर दो। जैसे ही मेरा पेज ओपन होगा ना, तो ये इंटरवेल शुरू हो जाएगा, और जब तक मैं इस पेज को क्लोज नहीं कर देता, ये हर 5 सेकंड बाद उस एपीआई को कॉल करता रहेगा इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा इस 5 सेकंड को अगर बाय द वे मैं 1 सेकंड भी कर सकता हूँ, ठीक है ना, 1 सेकंड कर दिया मैंने फिलहाल, तो अब अगर कोई भी पोस्ट करेगा ना, वो रियल टाइम में यह शो होना चाहिए मेरे पास। करो कुछ पोस्ट, अच्छा रिफ्रेश नहीं किया मैंने इस पेज को ना, हाँ अब वो शेड हुआ, हाँ करो अब पोस्ट करो, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, ज़रा देखते हैं ना यहाँ से कि वो एपीआई कॉल कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, सेव किया है मैंने कंट्रोल एस, ओ सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है मैंने गड़बड़ की थी, बहुत ज़्यादा स्पीड में तुम लोग कर रहे हो। बहुत ज़्यादा स्पीड में तुम लोग जो है ना एपीआई कॉल कर रहे हो, ठीक है। तो ये देखो रियल टाइम में ना आना शुरू हो गया, अब मुझे रिफ्रेश नहीं करना पड़ रहा। अच्छा बाय द वे उसको 1 सेकंड पे नहीं लगाते, 5 सेकंड या 6 सेकंड पे लगाते हैं, ताकि थोड़ा ट्रैफिक कम आए सर्वर के ऊपर ना। अच्छा, इसके लिए एक अप्रोच और भी होती है, दैट इज़ कॉल्ड सॉकेट आईओ।
वो हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन एक अप्रोच होती है सॉकेट आयो, वो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए ना वो ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। वेल अभी ये चैटबॉट डेवलपमेंट की क्लास है तो हमने सर्वर पे तवज्जो देनी है कि सर्वर बनता कैसे है, ठीक है। हम वेब एप्लीकेशन का कोर्स हम फिलहाल ये नहीं कर रहे हैं, तो हमने अभी फ़िलहाल के लिए क्या देख लिया कि सर्वर बनाना कैसे है, सर्वर की API एक्सपोज की हमने, और वो जो एक्सपोज हुई हुई API थी ना उसको हमने कॉल किया किसके ज़रिए, दो तरीक़ों से। नंबर एक थंडर क्लाइंट के ज़रिए, जो एक टेस्टिंग टूल है। अगर आपके पास भाई आप सिर्फ API बना रहे हैं, सिर्फ बैकएंड आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, फ्रंट एंड कोई और कर रहे हैं, तो आप अपनी खुद की बनाई हुई API को कैसे कॉल करेंगे, थंडर क्लाइंट या पोस्टमैन या इस तरह के और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो नंबर एक हमने थंडर क्लाइंट से कॉल किया अपने एक्सपोज हुई हुई API को। नंबर दो हमने छोटी सी JavaScript की एप्लीकेशन बना के उससे कॉल किया किसको, अपने एक्सपोज हुई हुई API को। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ जनाब, अब मैं ये करता हूँ कि जो है ना, एक इसकी मुझे कॉपी बनानी होगी। असल में मैंने लास्ट क्लास वाले कोड में ही ना एडिटिंग शुरू कर दी थी, तो मैं ज़रा इसकी कॉपी बनाता हूँ, फिर इसको ना हम अलग से GitHub में पुश करके और सर्वर पे क्लाउड पे डाल के ना आज की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कॉपी हो गया, और मैंने कहा कि यार इसका नाम क्या होगा, अब इसका नाम होगा 4. टू डू ऐप विद सर्वर, ठीक है। और ये 3 को आगे ना मैंने कहा भाई इन सबको क्या करो, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया, एक बना दिया फोल्डर 4, ये 3 वाले को ना पहले जैसा कर दिया मैंने, 3 में जो पहले कोड लिखा हुआ था ना ये जो था उसको वहीं पे वापस कर दिया मैंने, एक अलग फोल्डर बनाया आज की क्लास का, दैट इज़ कॉल्ड 4 टू डू ऐप विद सर्वर। अब ये 4 टू डू ऐप विद सर्वर जो है ना इसको मैंने भेजना है क्लाउड पे, तो क्या तरीका होगा क्लाउड पे भेजने का, इसको जाके मैं ज़रा एक जो है ना एक एम्प्टी रिपोजिटरी बना लेता हूँ github.com, और यहाँ पे एक एम्प्टी रिपोजिटरी मैं बना लेता हूँ दैट इज कॉल्ड टू डू ऐप विद सर्वर, ठीक है। इसी तरह से बनेगी क्रिएट रिपोजिटरी। क्रिएट रिपोजिटरी करने के बाद मैंने क्या कहा, इसको क्लोन कर लिया कहीं पे, कहाँ पे क्लोन कर लिया भला, मे बी डेस्कटॉप के ऊपर। मैंने कहा टर्मिनल, और मैंने कहा गेट, नहीं डेस्कटॉप पे नहीं है, गिट क्लोन करके मैंने यहाँ पे एक रिपोजिटरी मंगवा ली है एमडी। मैंने कहा cd टू डू ऐप विद सर्वर, और मैंने कहा कोड स्पेस डॉट, ठीक है। अब वो तमाम का तमाम कोड यहाँ मैंने रखा हुआ था ना, इसको उठा के मैं अपने पास उधर ले जाऊँगा, क्या सीन है। ड्रैग ड्रॉप करते हैं जरा, ऐड फोल्डर टू वर्क इसमें कॉपी फोल्डर, सही है कॉपी फोल्डर करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोड मैं इधर ले आया। अच्छा, एक चीज और अब है, एक चीज और अब ये है, मेरा कोड तो सही है ना भाई, दबे मेरा कोड सर्वर पे जाने के लिए सही है, कोई इसमें ऐसी कमी तो नहीं है मेरे ख्याल है क्या। हाँ, तो चलो इसको पहले सर्वर पे पहले चढ़ाते हैं जल्दी से। अच्छा, क्या करेंगे, इसको मैं वापस पुश कर दूंगा इस तमाम के तमाम कोड को। मैंने कहा कि भाई एक मिनट यार, ये क्या चक्कर है, हाँ
नहीं ये तो ऐसे ही वो स्पेलिंग दिखा रहे हैं, स्पेलिंग का एरर दिखा रहे हैं, वो कह रहा है स्पेलिंग सही नहीं है आपकी। ठीक है, ये गेट पुश ऑरिजिन मेन करके मैंने उसको वापस पुश कर दिया। ये सब लोग कर चुके हैं आप ये काम सारा। ठीक है, मैंने क्या किया अभी, एक गिट की एम्प्टी रिपोजिटरी बना के क्लोन किया, जो मेरे पास कोड लिखा हुआ था सारा का सारा कोड उसमें डाला और वापस पुश कर दिया। पुश करने के लिए मैंने तीन कमांड लिखी, गिट एड डॉट, गिट कमिट माइनस एम, और उसके बाद मेरा एक मैसेज, और गिट पुश ऑरिजिन मेन। तो ये सारा का सारा कोड कहाँ पे पहुँच गया मेरा, ये मेरे गिट हब की एक रिपोजिटरी के अंदर पहुँच गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको मैंने कहाँ पे चढ़ाना है, साइक्लिक जो है मेरा, क्या था स्पेलिंग साइक्लिक का, सी वाई है, सही है, साइन इन, साइन इन विद गिटहब। चला भाई ठीक है। अच्छा, दो ऐप पहले से है तो इसका मतलब है एक ऐप और मैं डिप्लॉय कर सकता हूँ। मैंने डिप्लॉय का बटन प्रेस किया और मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे आके, लिंक योर ओन कोड इस पर और टू डू विथ सर्वर, क्योंकि मेरा गिटहब कनेक्ट है तो मेरे सारे पब्लिक रिपोजिटरीज को यहाँ शो कर रहा है। तो मैंने कहा टू डू विथ सर्वर को आप कर दो डिप्लॉय, सही है, कनेक्ट। अरे भाई नहीं, वो एक दफ़ा पूछता है, असल में मैंने रिमूव कर दिया था ना। When you ready, click below. Use your password. Oh yeah, क्या बकवास है ये? चला चला चला। अच्छा, तो ये हमारे पास ना एक अदद क्या आ चुका है? URL आ चुका है। ये मेरे सर्वर का URL है, right? अब मैं ज़रा इसको टेस्ट करके देखता हूँ, चला के, किससे चला के देखूँगा इसको मैं, थंडर क्लाइंट से, राइट, थंडर क्लाइंट से चला के देखूँगा ना इसको मैं। पहले मैं लोकल होस्ट लिखता था 3000, अब मैं क्या लिखूँगा, फाइन गोल्ड हेयर जो भी इसने नाम दिया मुझे, और गेट टू डूज, ये मैंने गेट किया तो तमाम के तमाम टू डूज यहाँ पे आ जाने चाहिए, जो कि इस वक्त क्या है, कोई टू डू मौजूद ही नहीं है मेरे सर्वर पे। तो मैंने कहा चलो पोस्ट कर देते हैं दो चार टू डूज। मैंने कहा बॉडी में गया, मैंने कहा माई फर्स्ट टू डू, एक टू डू ऐड किया, मैंने कहा माई सेकंड टू डू, दो टू डूज मैंने ऐड कर दी, मतलब मेरी API बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही है, सही हो गया, परफेक्टली काम कर रही है। अब मुझे अपना जो मेरा फ्रंट एंड जो था, अब उससे मैं किसको कॉल करवाऊंगा, अब यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, ये लोकल होस्ट लिखता था मैं पहले, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, अब यहाँ पे वो लिंक लगा दूंगा मैं यहाँ पे, और लिंक लगा के क्या करूंगा, इसको दोबारा से गिटहब में पुश कर दूंगा। ठीक है, मैंने कह दिया ऐप कंप्लीटेड, एंटर और पुश, ये गई मेरी ऐप, सही है। अच्छा, अब इसका मतलब है ये ऐप को मैं होस्ट कहाँ करूंगा, फ्रंट एंड मेरा GH पेजेस पे करूंगा। आ जाते हैं जी GH पेजेस पे, सर्वर तो मेरा चल रहा है ना साइक्लिक पे, बेस्ट चल रहा है, ज़बरदस्त। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास क्या मौजूद है, एक अदद index.html मेरे पास रूट पे मौजूद है, इसका मतलब मैं इसको GH पेजेस पे लगा सकता हूँ ना। मैं यहाँ जाऊँगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद मैं जाऊँगा पेजेस में, और पेजेस में जाने के बाद मैं नन को चेंज करूँगा मेन पे, और सेव को बटन दबा दूँगा। तो ये क्या करेगा, दो चार मिनट वेट करके ना मुझे ये एक्शन चला के देगा, और मुझे पेज का मेरे URL मिल जाएगा। जी दोस्त, हाँ पुश कर दिया, दो तो हाँ हाँ इस दफा नहीं किया, पता नहीं वो ग्लिच होगा साइक्लिक का, साइक्लिक भी तो यार क्लाउड प्रोवाइडर है ना, ग्लिच आते रहते हैं, वो भी सॉफ्टवेयर एक्चुअली, तो हर सॉफ्टवेयर में बग्स ग्लिचेस ये होते हैं, थोड़ा आपको ये रहेगा देखने को मिलेगा। यार ये बड़ा टाइम नहीं लगा रहा इस बार ये डिप्लॉय होने में, हाँ इस पर क्लिक करना होता है, अच्छा अच्छा अभी अंदर दिखाता है, ये मैंने कभी क्लिक नहीं किया था इस पे बाय द वे। अच्छा, ये मुझे URL दे दिया इसने, वायर, ये तो बड़ा अच्छा बताया। इस URL को पहले तो मैं यहाँ लगा दूँ ना अपने होम पे,
ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे गया मैं और डिस्क्रिप्शन पे मैंने वेबसाइट लगा दी और डिस्क्रिप्शन लिख भी दिया कि भाई दिस ऐप वाज क्रिएटेड एज डेमो फॉर अ क्लास, ठीक है, सेफ। मैंने बता दिया यार ये किसी क्लास के लिए मैंने डेमो बनाया था। अब मैं इस ऐप पे आ जाता हूँ, ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे क्या रिपोर्ट है। सही है, एरर एरर दे रहा है, वाई। हाँ अच्छा, ये किसी ने पोस्ट करना कर दिया किसी ने। हाँ भाई ये सब खोलो ये वाली ऐप का लिंक और ज़रा चलाओ इसको। अब तो ये खुद ही एयर डॉट सिज बन गया है, हैं ये लो भेज दिया इस पर। एयर डॉट सिज भी यही है, सब कुछ यही हो रहा है। अच्छा मैंने लिखा ABC और एंटर किया, ये आ गया। हैं ये तो खैर हो गई, अब तो ये आपको पता ही है HTML JavaScript, आप इसको अब जैसे मर्जी चेंज करते रहे। हाँ भाई सेट हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। क्या नहीं भरा, ओ भाई थोड़ा रिकॉर्डिंग हो रही है ये, आप लोगों का फिर पोल पट्टी खुलेगी, मेरा क्या है। एडिट मैं क्यों करूँगा, मेरे पास थोड़ी इतना टाइम है। क्लास ख़त्म करें, क्लास ख़त्म ही है बस, ये डिप्लॉय करके ख़त्म हो गई क्लास हमारी। जो जाना चाहता है वो जा सकता है, किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ ले। नहीं वो एक एक सेकंड बाद अपडेट हो रहा है असल में। मैं यहाँ से कुछ लिखूँगा अगर XYZ और एड, मैं मैन्युअली भी रिफ्रेश कर सकता हूँ लेकिन वो एक एक सेकंड बाद खुद भी हो रहा है। मैं मैन्युअली भी कर सकता हूँ। अरे ये क्या हुआ, क्या है ये, कुछ एरर देना शुरू हो गया। व्हाट टू मैनी रिक्वेस्ट वाला हो गया होगा ना इसमें। नहीं वो टू मैनी रिक्वेस्ट वाला कोई चक्कर हो गया इसमें, एक मिनट इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। इतने ज़्यादा उसमें आ गए ना टू डूज कि वो परेशान हो गया कि ये क्या हुआ मेरे साथ। हाँ ये वो टू मैनी रिक्वेस्ट वाला जो होता है ना साइक्लिक पे, वो 200-300 रिक्वेस्ट के बाद वो मना कर देता है आपको कि यार बस हो गई आपकी, अब रुक जाओ सफर कर लो थोड़ा। देखो ना 300 रिक्वेस्ट हो गई है, नहीं 300 नहीं ज़्यादा हो गई है बल्कि। हाँ ना देखो तो वही तो लॉग्स, ये लॉग्स हैं हमारे। इसमें ये कहाँ पे दिखा रहा है डेटा, ये देखो ना कितने सारे आ गए हैं इसमें लॉग्स। यहाँ पे मैट्रिक्स दिखा रहा होता है वो कि कितने रिक्वेस्ट आ चुकी हैं। कहाँ पे आएगा यार वो, कितना अभी डेटा हो चुका है, डेटा स्लैश स्टोरेज है। ये देखना चाह रहा हूँ कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट क्या ये कहीं पे बताता है कि कितनी हो गई हैं। कहीं पे भी नहीं बता रहा।